मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार से अभिवादन करता हूँ। आज एक आशीष की जरूरत है। जी हाँ, किसी बात में आशीष की जरूरत है। पढ़ने वाले बच्चों को बुद्धि की जरूरत है। जो बिजनेस करते हैं वहां पर उनकी आशीष की जरूरत है, और काम करने वालों को वहां पर उनकी आशीष की जरूरत है। परिवार को चलाते हैं, परिवार में सारी बातों को उन्नति आशीष की जरूरत है। सेवा करने वालों को आत्मा की जरूरत आशीष चाहिए। सारे लोगों को आशीष की जरूरत है, चाहे छोटे बच्चे उनको भी आशीष की जरूरत है, बुजुर्ग लोगों को भी आशीष चाहिए, सबको आशीष की जरूरत है। परमेश्वर क्या कहता है? भजन 115 अध्याय की 13 वचन में, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। प्रभु वादा देता है, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। छोटे बच्चे मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जवान लड़के मैं तुम्हें आशीष दूंगा, चाहे बुजुर्ग रहने से भी मैं आशीष दूंगा करके प्रभु वादा देता है। आज क्या आशीष चाहिए? लेकिन प्रभु के लिए आपको डरना चाहिए। यदि प्रभु का डर अंदर रहने से पाप से हमेशा हम दूर रहेंगे। भक्ति की भावना बहुत लोगों के अंदर है, लेकिन डर सबके अंदर नहीं है। भक्ति करना एक अलग बात है, लो वो सिर्फ पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर के लिए आप डरना चाहिए। सिर्फ भक्ति के द्वारा आशीष प्राप्त नहीं होती है, परमेश्वर से डर होना चाहिए। यानी परमेश्वर मुझे वो देखने वाला है, वह मुझे देखता है, मेरे गलतियों को वो देखता है। मैं धार्मिकता के साथ रहना है, मुझे गलती नहीं करना, सही रहना है। जो प्रभु के लिए सचमुच में डरते हैं उन्हीं को प्रभु आशीष देता है। कुछ लोगों को देखिए, इतना भक्ति की भावना रहता है लेकिन वो डरते नहीं हैं। पाप के लिए कभी भी वो डरेगा नहीं, वो सोचेगा सारे पाप करके परमेश्वर को भक्ति करने से पर्याप्त है। वो नहीं है, परमेश्वर का डर होना चाहिए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने मुझे बनाया वो धार्मिक परमेश्वर है, ऐसे आपको डरना है। मैं गलती करने से परमेश्वर मुझको दंड देगा, ऐसे भावना आपके अंदर रहने से परमेश्वर आपको आशीष देगा। छोटे बड़े बुजुर्ग सब, प्रभु यीशु आपके डर के साथ मैं चलना है। प्रभु का डर मन में रहना है, दिल में आत रख के आप कहेंगे, हे परमेश्वर तू ही मुझको आशीष देने वाला परमेश्वर है। मेरे सारे आशीष को तू देता है, लेकिन प्रभु आपका डर जो है मेरे अंदर रहना है। दिल में सच्चाई डर के साथ रहना है, पाप से अलग होके मैं जीना है, सारे अधर्म से मैं दूर रहना। परमेश्वर तू मदद करना है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन।